चल आज हम देखेंगे मास्टर एसएससी बोर्ड के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए आपको जरूरी किया, इस साल 2021 है तो इस साल आपको कई जगह पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रॉब्लम हो गया होगा, क्योंकि आपको कई जगह पे ऑनलाइन लेक्चर्स में टीचर आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, और कई जगह पे तो ऑनलाइन लेक्चर्स हो रहे पर कोई ले नहीं पा रहा है, कोई किसी का नेटवर्क इशू है, किसी प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं लेक्चर ले पा रहे हैं। ऐसे कई तरह की प्रॉब्लम की वजह से बच्चों को लेक्चर्स में प्रॉब्लम हो रहा है, और एक तो सिर्फ 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है, इसी के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी बहुत जरूरत है। इसी टाइप से अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट मेरी वीडियो को चाहिए तो आपको बेल आइकन जरूर दबाइए। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिखाया होगा राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल नरेटिव दिख रहा होगा, तो हिस्टोरिकल नरेटिव यहाँ पे दिया है। तो एग्जामिनिंग रिलेवेंट यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं, इस पॉइंट्स को याद करके कि यहाँ पे एक टेबल की तरह टेबल फॉर्म में आ सकता है, ये मत बोलिए ये टेबल फॉर्म में आ सकता है आपके लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, हिस्टोरियोग्राफी में तो यहाँ पे देखिए वी हैव लर्न अबाउट द हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड क्रिटिकली एग्जामिनिंग द हिस्टोरिकल सोर्सेज एंड राइटिंग द हिस्टोरिकल नरेटिव। द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव इज नोन एज हिस्टोरियोग्राफी। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज हिस्टोरियोग्राफी, हिस्टोरियोग्राफी क्या है इसके बारे में आपको आ सकता है ये क्वेश्चन। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद करके जाइए, आपको एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ आपको पॉइंट्स दिए हैं, इसको याद करके जाइए मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के बारे में। देखिए यहाँ पे आपको दिया इट्स मेथड इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल, इट बिगेंस विद द फॉर्मेशन ऑफ रिलीवेंट क्वेश्चन, दीज क्वेश्चन आर एंथ्रोपोसेंट्रिक, इट मीन्स डेट दीज क्वेश्चन आर अबाउट द डीड्स ऑफ द मेंबर ऑफ एंशिएंट ह्यूमन सोसाइटी ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड, हिस्ट्री डज नॉट सेट एनी इंटर बिटवीन द डिवाइन एंड ह्यूमन डीड्स। यहाँ पे आपको 4 पॉइंट्स दिए, चारों अच्छे से याद करके चाहिए, आपको आराम से इसमें 4 मार्क्स मिल सकता है, मेरी गारंटी है। और इस लेसन में आपको कई सारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पे दिया आपको। उसके बाद यहाँ पे ये लेसन वोल्टेयर का थोड़ा रीड करके चाहिए, आपको थोड़ी उनसे भी लिख सकते। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखे फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी क्या है उसके बारे में, कि हिस्टोरियोग्राफी जो वुमेन ने लिखा है उसके ऊपर एम्पावरमेंट ये सब के ऊपर। फिर यहाँ पे आपको MCQ दिया, तो आपको हर लेसन का MCQ उसी टाइप से यहाँ पे भी करना है, ये दोनों MCQ आप करके रखिए और इसको एक करके रखिए, 1 मार्क्स के लिए आएगा, इसलिए आपको उसी बीच में आइडेंटिफाई करना रॉन्ग पेयर। उसके बाद यहाँ पे डायलेक्टिक्स करके जाइए, एनालिसिस का उतना चांसेस नहीं है। फिर यहाँ पे एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद इट्स